वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों की संयुक्त टीम ने दुकान दुकान जाकर व्यापारियों और कर्मचारियों से अपील की। जिला प्रशासन और व्यापार महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से व्यापारियों को कोरोना के टीके लगाए जाने का अभियान शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने माधव चौक के बाजार में संयुक्त रूप से प्रत्येक दुकान पर पहुंचकर दुकान के मालिक और उनके कर्मचारियों को टीकाकरण लगा है या फिर नहीं, इसके बारे में जानकारी ली। व्यापार महासंघ अध्यक्ष मुन्ना जैन, व्यापार एवं उद्योग मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, SDM गोपाल सिंह वर्मा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस दौरान संयुक्त रूप से मौजूद रहे। व्यापारी प्रशासन द्वारा जो डोर टू डोर टीकाकरण हो रहा है, सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध है वो भी लगाएं, उनके कर्मचारियों को भी लगाएं और कोरोना से बचें। वैक्सीन लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो नया वायरस आया है उससे हमारे प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें और उससे सुरक्षा रहने का कारगर उपाय है वैक्सीन। सेकेंड डोज जो वैक्सीन के हैं वो कम लोगों ने लगवाए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाअभियान चला रखा है क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद ही हम सुरक्षित रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हमारे वो व्यापारी साथी जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, उनकी दुकान पर काम करने वाले हमारे जो कर्मचारी भाई बहन हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, उनको डोर टू डोर जाकर वैक्सीन लगाकर सुरक्षित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के आह्वान पर किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को। गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान से लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता आएगी, जिससे वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, विदिशा।